हेलो डियर स्टूडेंट, ये एग्ज़ाम गुरु चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है बच्चा। एग्ज़ाम 2020 यानी कि समझ रहे बच्चा, हम लोग यहाँ पे एक पहल शुरू करी है फॉर ब्राइट फ्यूचर, एक पहल आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो यहाँ पे बच्चा हम लोग एग्ज़ाम 2020 के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे, यानी कि आपका वर्तमान समय पर जो अपडेटेड होंगे, जो अलग अलग एग्जामों के अंदर पूछे गए होंगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहेंगे। जो भी बच्चा चैनल से नया जुड़ रहा है बच्चा, वो बच्चा आपका ठीक है चैनल को सब्सक्राइब भी करता रहेगा। ये एग्जाम गुरु यानी कि सेपरेट आपके नॉन टेक्निकल के लिए और टेक्निकल के सभी एग्जामों के लिए ठीक है रखा गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर वन आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चा यहाँ पे, विच इज द लार्जेस्ट आपका टैक्स पेमेंट सेक्टर इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा जो आपका रेवेन्यू होता है बच्चा, समझो जो कर भुगतान क्षेत्र है वो कौन सा है, समझ रहे हो? कर भुगतान क्षेत्र कौन सा आपका? एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया आपका, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया आपका, या बैंकिंग क्षेत्र हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र या परिवहन क्षेत्र बच्चा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा बच्चा आपका बी, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया। भारत में सबसे ज्यादा जो टैक्स आपका यानी कि रेवेन्यू होता है बच्चा, वो कहां से होता है? तो औद्योगिक क्षेत्र से, इंडस्ट्रियल एरिया से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चा ये आपकी स्क्रीन के सामने, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग बच्चा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था आपका, और जो भी बच्चा चैनल से नया जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन बच्चा काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है, जल्दी से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सम बच्चा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, थोड़ा जल्दी से हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चा, ठीक है, थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो तब तक बच्चा सभी लोग वीडियो को आप लोग तब तक अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है बच्चा आपका, सोशल मीडिया साइट है, सब पे शेयर करते रहे। एग्जाम 2020 में बच्चा हम लोग यहाँ पे जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर के अलग अलग जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए या रिसेंट आपके कोई एग्जाम हुआ बच्चा वहां से क्वेश्चन लिए गए, आपके सभी क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी बच्चा आपका अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों में से, ठीक है, जस्ट 1 मिनट बच्चा। तो यहाँ पे बच्चा हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चा आपका क्या रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या रहा है बच्चा आपका, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में जूट की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा क्षेत्र आपका डेल्टा क्षेत्र केंद्रित है, यानी कि जूट फार्मिंग इज द इंडिया कंसिडर्ड बच्चा इंडिया डेल्टा रीजन इज द विच ऑफ फॉलोइंग रिवर, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र आपका बच्चा, सभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गंगा यहाँ पे याद रखना बच्चा कि भारत में जो जूट आपका कौन से डेल्टा क्षेत्र में होता है, तो सबसे ज्यादा होता है बच्चा आपका कौन सा, गंगा क्षेत्र में, ठीक है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर आएगा आपका बच्चा वो कौन सा आएगा, यानी कि ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा जो आपके स्क्रीन के सामने था, ठीक है, ठीक है ना बच्चा। और भारत में सबसे ज्यादा जो आपका यानी कि जूट उत्पादन कहां पे होता है, तो होता है आपका कहां पे, वेस्ट बंगाल के अंदर होता है, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चा एक क्वेश्चन बता देता हूं आप सभी लोगों को, जो सिल्क वो बच्चा आपका, ठीक है ना, सिल्क फाइबर, और आपका बच्चा दूसरा किसके बारे में पूछता है कि जूट फाइबर जो होता है,
समझो इसे पटसन भी कहते हैं। तो ये किस क्या चीज़ होता है, यानी कि अलग अलग होता है आपका। तो सिल्क जो फाइबर, रेशम का जो रेशा होता है वो प्रोटीन होता है, और जूट का जो फाइबर होगा बच्चा या रेशा होगा वो क्या होता है आपका, सेलुलोज होता है। ये क्वेश्चन बायो के अंदर काफ़ी बार पूछा गया, यानी कि जनरल जो आपका साइंस के अंदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बच्चा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मॉर्निंग वाली क्लास में बताया था। क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को पौधे किस प्रकार से लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन को कोई भी प्लांट यानी कोई भी पौधा बच्चा आपका डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेता है, किस रूप में लेता है आपका, नाइट्रेट के रूप में लेता है। समझो बच्चा आपका, किस रूप में लेता है आपका, नाइट्रेट के रूप में लेता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जैसा आपका राइजोबियम हो गया, ठीक है, दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है आपका, ठीक है, तो इस रूप में लेता है। यानी कि आपका क्या आएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर आएगा यूज थ्रो टू माइक्रोवायरस, ठीक है, यानी कि इसका डी राइट आंसर आना चाहिए। समझ गए बच्चा आपका, माइक्रो जो वायरस होते बच्चा उनसे क्या करता है इसे, यानी कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेता है, ठीक, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के तौर पर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था आपका डी, इन ऑप्शनों में से आपका डी सही आंसर आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बच्चा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, भारत में बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाली कॉफी की किस्म कौन सी है। समझिए बच्चा आपका, द वेराइटी ऑफ कॉफी ग्रो एक्सटेंसिव बच्चा इन इंडिया, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, भारत में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी उगाई जाती है वो कौन सी वाली है बच्चा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना बच्चा, कौन सी आएगी, अरेबिका। समझो बच्चा, भारत में सबसे ज़्यादा यानी अरेबिका क्या है आपका, कॉफ़ी की एक वैरायटी है और जो भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, सी इसका राइट आंसर था। जो क्वेश्चन आपके सामने था आप सभी लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करते रहे बच्चा, जो आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह उनमें शेयर करते रहे सभी लोग, और जो भी चैनल से नया जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है ना। और याद रखना बच्चा, भारत में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी उत्पादन करता है वो राज्य कौन सा आपका, तो कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहा बच्चा आपका, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन विच ऑफ द डेफिशिएंट इन बॉडी, जब बच्चा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो शरीर में किसकी कमी आती है, जब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आती है बच्चा उस दौरान शरीर में सबसे कम जो आपका, ठीक है, तो यानी इस समय पर क्या होता है बच्चा, सोडियम क्लोराइड। समझो बच्चा, यानी कि सोडियम क्लोराइड की क्या हो जाती है, NaCl की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, ठीक, जब बॉडी में क्या हो जाता है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी आती है, ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, अगला क्वेश्चन, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, ओडोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इट्स स्टडी। मैंने आप लोगों को बताया था बायो के अंदर हम लोग अलग अलग ब्रांचें होती है आपकी, समझ लो विज्ञान के अंदर अलग अलग शाखाएं, उनमें से एक ब्रांच कौन सी आपकी, ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, बोन हो गया आपका, इफेक्टिव ऑफ टाइम हो गया बच्चा आपका, टीथ हो गई, या नन ऑफ दीज। तो याद रखना ओडोंटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है बच्चा आपका, तो सी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। ओडोंटोलॉजी के अंदर किसका, दांतों का अध्ययन किया जाता है। जो क्वेश्चन आपके सामने था उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था बच्चा आपका, सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने बच्चा, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी किसमें होती है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी किसमें होती है, इन द ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इन द, ठीक है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो याद रखना बच्चा आपका, कौन सी होती है, तो ये होती है ठीक, यानी कि जांग में, समझ लो, और इसका नाम क्या बच्चा आपका, फीमर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है बच्चे, जांग में होती है, ठीक, यानी कि जांग में होती है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है आपका, फीमर सबसे लंबी, और स्टेपीज जो कि कान की सबसे छोटी हड्डी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना आप लोग, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में अलग अलग एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, अब हम लोग चल जाते हैं बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8,
विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर द इमरजेंसी टू गैला पागोस आइलैंड। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा गैला पागोस द्वीप समूह किस देश ने जिस पर आपातकाल की घोषणा करी थी। यहाँ पे कुछ बच्चा आपका ऑयल रिसाव हुआ था, ठीक है, यहाँ पे तेल रिसाव होने के कारण जिस कारण से एटमोसफेयर में बच्चा कुछ ठीक है पॉल्यूशन होने के कारण बच्चे यहाँ पे क्या किया गया था, आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक, तो ये ध्यान देना बच्चा आपका गैला पागोस पर किसका अधिकार है, तो याद रखना बच्चा आपका इक्वाडोर, और इक्वाडोर की लोकेशन कहाँ पे है, तो ये बच्चा आपका कहाँ पे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर है। इक्वाडोर कहाँ पे आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर है। करंट अफेयर की क्लास में कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट चलते बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चा आपका, अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के सामने, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। B12 में आपका कोबाल्ट प्रेजेंट होता है और B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग यानी कि ब्लड में आयरन की कमी होने के कारण जिसे क्या बोलते हैं, रक्त क्षीणता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चा आपका, समझो कोबाल्ट प्रेजेंट होता है और इसका साइंटिफिक नेम क्या बच्चा आपका, साइना साइनोकोबामाइलिन। ठीक है ना, समझो बच्चा आपका साइना कोबामाइलिन इसका क्या बच्चा साइंटिफिक नेम है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर जो आपका 12। ठीक है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका बच्चा। इन विच सिटी इज द 18th नॉन अलायंस मूवमेंट 2019, 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था बच्चा आपका कहाँ पे, अजरबैजान के अंदर, समझ रहे हो आपका, और अजरबैजान में भी कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था बच्चा आपका बाकू के अंदर। ठीक है, बाकू सिटी के अंदर इसका सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग बच्चा अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को मातृत्व लाभ देने के लिए प्रदान करता है। ये अभी रिसेंटली यूपीपीसीएल 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, और पहले भी मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका था बच्चा पहले भी। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द एम्प्लॉयर गिव मैटरनिटी बेनिफिट इज द एम्प्लॉयज। ठीक है ना, एम्प्लॉयज की बात की गई है, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 44, या इनमें से कौन सा आएगा बच्चा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आना चाहिए, जो क्वेश्चन आपके सामने है उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आना चाहिए, जब सभी लोग आंसर देते रहिए, समझ बच्चा आपका, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, अनुच्छेद 42 के अंदर दिया गया, आर्टिकल 42 के अंदर दिया गया। ठीक है ना, मैंने आप लोगों को बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप जैसे ही कहां पहुंच जाओगे बच्चा आपका, पार्ट 4 के अंदर चले जाओगे, ठीक है, भाग 14 के अंदर चले जाओगे, और अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक आपका बच्चा ये व्यवस्था दी गई, जहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई। ठीक है, तो यहां पे बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, जो अगला क्वेश्चन है बच्चा आपका, आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल टू जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई, तो ये बच्चा अभी मैंने बात कर ली, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39A, आर्टिकल 39A बच्चा, जहां पे क्या दिया गया कि राज्यों के पास, राज्य आपका निश्चित करेगा समान न्याय और मुक्त कानूनी व्यवस्था, यानी कि सभी के लिए समान न्याय होगा, एक ही, समझो बच्चा, एक ही क्राइम के लिए दो व्यक्तियों को अलग अलग तरह से न्याय, समझो, न्यायिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, उन्हें सजा एक तरह से हो, या जो सरकारी सेवा है सभी के लिए एक समान हो। ठीक है, तो मुक्त कानूनी सहायता की बात की गई बच्चा, तो ये कहाँ पे दिया गया आपका, बी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ठीक है, DPSP, हाँ बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चा आपका, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध पर समाप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया बच्चा आपका, द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एंडेड इन द, तो कब हुआ था बच्चा आपका, 16 दिसंबर को। इसी कारण तो प्रत्येक वर्ष भारत में 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आपका, विजय दिवस के रूप में आप लोग सेलिब्रेट करते हो। ठीक है, तो 16 दिसंबर 1971 की बात की गई यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चा आपका, अशोक लीलैंड मूल संगठन क्या है, व्हाट इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अशोक लीलैंड, तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, हिंदुजा ग्रुप, समझ रहे बच्चा आपका, हिंदुजा समूह इसका क्या बच्चा आपका, यानी कि ए इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग,
अगला क्वेश्चन बच्चा मैंने कई बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या बच्चा आपका, हु वॉन द वर्ल्ड रैपिड 2019 टाइटल, किससे जीता आपका? कोनेरू हम्पी, रशिया के अंदर होता है आपका और कोनेरू हम्पी ने ये जीता। ठीक है, ये बच्चा आपका स्पीड टेस्ट और प्रैक्टिस के तौर पर भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चा आपका अगला क्वेश्चन क्या आएगा, क्या आपका स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं बच्चा हम लोग, तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 2014 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को बच्चा आपका स्वच्छ भारत अभियान की, ठीक है, अंकित कुमार जी आपका मैसेज मैंने पढ़ा। ठीक है, इससे आगे भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बच्चा अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चा आपका अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? ठीक है, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी फाउंडेड इज द नेटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है ना, नेटाल जो क्या बच्चा आपका क्या पूछा गया यहाँ पे, नेटाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, भारतीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना बच्चा कब की गई थी, 1894 में, 1894 ईस्वी में की गई थी। समझ रहे बच्चा आपका, हाँ 1894 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखना है बच्चा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बच्चा अगले क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इनमें से पाकिस्तान के पहले प्रेजिडेंट कौन थे? कुशाल किशोर जी अकॉर्डिंग टू DMRC, ठीक है ना। हाँ, DMRC का सिलेबस देख के ही अपकमिंग एग्जाम, मैंने बताया ना 16 को आपका एग्जाम होगा, तो उससे पहले पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर लेंगे। समझ लो बच्चा आपका, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे? ठीक है, तो कौन चुने गए थे बच्चा आपका यहाँ पे, राइट आंसर क्या आएगा आपका? ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका। ठीक है ना, इस्कंदर मिर्जा करके बच्चा, ठीक है ना, इस्कंदर मिर्जा क्या थे बच्चा, पहले राष्ट्रपति के रूप में थे। आगे बढ़ते हैं बच्चा हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ। बच्चा आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्द जोड़े थे? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया बच्चा आपका, दो शब्द जोड़े थे आपके, धर्मनिरपेक्ष और कौन से दो शब्द जोड़े थे बच्चा? ठीक है, तो वो कौन से थे बच्चा आपका, सेकुलर की बात की गई, ठीक है ना, सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए थे। तो कौन से अनुच्छेद प्रेम्बल में आपका बच्चा एक ही बार आज तक संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। समझ रहे बच्चा आपका, तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा इसका, सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं बच्चा, अनुच्छेद 352, और ये कहाँ से लिया गया आपका, जर्मनी से लिया गया। ठीक है, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं हम लोग, तो अनुच्छेद 360, और ये कहाँ से लिया गया आपका, यूएसए से लिया गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बच्चा आपके काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट टाइम सुना होगा बच्चा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारतीय सेना के एक विमान का मलबा मिला था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्रैश हो गया था बच्चा, तो वो विमान कौन सा था, 2019 की कहानी है बच्चा आपका, तो AN-32। समझ लो, AN-32 जो क्वेश्चन आपके सामने है उस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका ए। समझ लो बच्चा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चा, यहाँ पे जो भी आपके सवाल होंगे मैं एंड में देख लूंगा उनको। ठीक है, सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस टेस्ट आपके अपकमिंग एग्जामों के लिए एक बच्चा आपका प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आपको क्या क्या चीजें पढ़ के जानी है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 के अंदर ऐसा किस संबंधित है, यानी कि किससे संबंधित है? तो याद रखना बच्चा आपका ये किससे संबंधित है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ लो बच्चा आपका, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के संबंध में। ठीक है, याद रखना बच्चा यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, यानी कि जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है उसका राइट आंसर आएगा ए, मंत्रिपरिषद। अब यहाँ पे आपसे पूछ लेगा, एक जो मंत्रिपरिषद होता है बच्चा ये किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो ये लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, और इंडिविजुअली आपका किसके प्रति होता है,
तो राष्ट्रपति के प्रति आपका उत्तरदायी होता है, ठीक है, ये किसके प्रति आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बच्चा। आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो दिया गया आपका भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संबंधित है, 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द, बच्चा आपका यहाँ पे क्या दिया गया आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। समझ रहे बच्चा आपका, जैसे कि अभी जनगणना होने वाली है आपके कब, 1 अप्रैल 2020 से आपका, ठीक है, और 21 में आपकी रिलीज हो जाएगी, तो ये आपका एक सब्जेक्ट है, इस पर कानून कौन बनाएगा, समझ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता आपका, तो इसी सब्जेक्ट की बात की गई, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अंदर 7वीं अनुसूची में जैसे यूनियन लिस्ट दी गई है आपका, स्टेट लिस्ट दी गई है, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची की व्यवस्था यहां पे दी गई है, ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं दी गई आपके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बच्चा आपका। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है, 73वां जो आपका संविधान संशोधन 1992 में होता है, समझ लो बच्चा आपका, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू, बच्चा ये कब होता है आपका, कई बार बताया मैंने आप लोगों को, समझ लो, इस क्वेश्चन के बारे में कई बार बता चुका हूं, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है ना बच्चा। इसमें क्या था आपका, टोटल 29 सब्जेक्ट रखे गए थे, और ये किससे संबंधित है आपका, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, सी इसका राइट आंसर आएगा, ये किससे संबंधित था बच्चा आपका, पंचायती राज से संबंधित था। अगला क्वेश्चन बच्चा आपका, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, शोषण के खिलाफ अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया, तो ये जितने भी आर्टिकल दिए गए बच्चा आपका, ये कौन से है आपके, फंडामेंटल राइट से संबंधित है, यानी कि आपके मूल अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया बच्चा आपका, अगेंस्ट द एक्सप्लोशन इज द गिवन विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो किसमें दिया गया आपका बच्चा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल सी यानी कि आपका 23 और 24 के अंदर दिया गया, जहां पे बाल जो आपका श्रम की बात करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, सी इसका राइट आंसर था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक अ पैसेज टू इंग्लैंड, अ पैसेज टू इंग्लैंड किसके द्वारा लिखी गई है, अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, समझ रहे हो। तो जीएस वाली क्लास में आप लोगों को काफी सारी बुकें बताई थी, समझ रहे बच्चा आपका, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, अ पैसेज टू इंग्लैंड किसके द्वारा लिखी गई है, नीरद सी चौधरी के द्वारा लिखी गई है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नीरद सिंह चौधरी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। सभी के लिए बच्चा आपका, सभी के लिए बच्चा, यूकेएसएससी में क्यों नहीं पूछेगा, सभी जगह आपका, अगर यूकेएसएससी के अंदर बच्चा आपका 40 मार्क्स की जीएस आनी है, ठीक है, तो उसमें भी आपका इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये प्रैक्टिस सेट है बच्चा सभी एग्जामों के लिए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो साइलेंट वैली कहां पे आपका बच्चा, केरल के अंदर, समझ रहे हो, साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट, तो कहां पे बच्चा ये आपका, केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चा आपका, किसने लिखा था बच्चा, बच्चे ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, उस द ऑटोबायोग्राफी अ सेंचुरी इज द नॉट इनफ, यहां पे क्या बच्चा आपका, अ सेंचुरी इज द नॉट इनफ 2018 में आपकी रिलीज हुई थी, तो वर्तमान समय पर बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष है यानी कि सौरव गांगुली, समझ रहे बच्चा आपका, इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका सी सौरव गांगुली की, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग बच्चा आपके अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है, आर्टिकल 21A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, समझ लो बच्चा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, तो इसमें ध्यान देना, इसका राइट आंसर आएगा राइट टू एजुकेशन, समझ लो आपका, यानी कि RTE की बात की गई यहाँ पे, राइट टू एजुकेशन की बात की गई बच्चा आपका, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा और राज्यसभा ने क्या किया बच्चा आपका, लोकसभा और राज्यसभा ने लोकपाल विधेयक को अधिक मजबूत संशोधन के साथ किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा के साथ बच्चा आपका किस वर्ष पारित किया गया था, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो 2013 में,
समझ बच्चा आपका, मैंने कई बार बताया आप लोगों को ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पहली बार भारतीय संविधान में, भारतीय संसद में, सॉरी भारतीय संसद में लोकपाल बिल के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था 1967 में, ठीक है। उसके बाद बच्चा क्या होता है, 2013 में बच्चा ये आपका एक्ट बनकर तैयार हो जाता है। शायद आप लोगों को याद होगा 2011-12 की कहानी है, जब आपका अन्ना हजारे जी इसी से संबंधित थे, लोकपाल से संबंधित, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में क्या करा था बच्चा आपका अनशन पर, अन्ना हजारे जी ने इसी पर एक आंदोलन चलाया था, ठीक है। और 2013 में ये बिल पास होता है, और इसके लिए यानी कि अब उसके बाद क्या होता है, बिल पास होने के बाद इसमें रंजना प्रकाश, समझ लो बच्चा आपका, आर पी देसाई नाम से एक समिति बनाई जाती है बच्चा। इसके अध्यक्ष कौन थे, आर पी देसाई, जिन्होंने क्या करा आपका लोकपाल के अंदर अलग अलग सदस्यों को चुनने के लिए, समझ रहे हो आपका बच्चा, लोकपाल के अंदर अलग अलग सदस्यों को चुनने के लिए एक समिति बनाई गई। और लोकपाल के अंदर वर्तमान समय पर टोटल कितने सदस्य है आपके, 9 सदस्य हैं, ठीक है। और भारतीय इतिहास में पीसी घोष, समझ रहे बच्चा आपका, पीसी घोष पहले लोकपाल बने, ठीक है, पहले लोकपाल बने आपके पीसी घोष। आगे बढ़ते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहा बच्चा आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने बच्चा, विच इज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन द कंट्री टू बिकम पावर टू सोलर एनर्जी, भारत में पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जो बच्चा, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया बच्चा आपका, भारत के अंदर बच्चा आपका जो आम आदमी पार्टी बनी है इसी बेस पे बनी थी, आप जो पार्टी बनी है दिल्ली के अंदर वो इसी आंदोलन के बाद बनी थी, ठीक है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश का पहला जो रेलवे स्टेशन है बच्चा आपका कौन सा है, तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, समझ लो बच्चा आपका, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जो किससे बच्चा आपका सौर ऊर्जा से संचालित होता हुआ है, ठीक है। और याद रखना बच्चा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय भी क्या आपका गुवाहाटी के अंदर, जिसकी स्थापना कब होती है, 1958 में होती है, समझ रहे हो। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा दो प्रोग्राम चलाए गए, एक का नाम क्या दिया गया बच्चा आपका, हनी बी प्रोग्राम, यानी कि ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षा के लिए चलाए गए, समझो बच्चा आपका। हाँ यूके की बच्चा उत्तराखंड के लिए मैराथन क्लास होगी बच्चा आपका, उस क्लास का, ठीक है, 16 फरवरी से पहले हो जाएगी, यानी कि 9 फरवरी को, समझो बच्चा आपका, संडे 9 फरवरी को होगा बच्चों क्लास आपकी, ठीक है ना बच्चा। तो यहाँ पे हनी बी की बात करी थी, और दूसरा पिंक सारथी करके, यानी कि पिंक कोच, जो कि महिलाओं के लिए स्पेशली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बच्चा आपका। लोकसभा जो 2019 में चुनी गई थी वो कौन से नंबर की लोकसभा थी, समझो बच्चा आपका, क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, द लोकसभा विच द इलेक्टेड 2019, 2019 में चुनी गई थी आपकी, तो ये कौन से नंबर की लोकसभा थी बच्चा आपकी, तो 17वीं लोकसभा, समझो आपका, 2019 में जो लोकसभा आपकी बन के तैयार हुई या चुनी गई तो वो कौन सी थी बच्चा आपका, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना बच्चा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या रहा बच्चा आपका, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द जनता पार्टी रिजिम, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार आती है उस समय पर भारतीय राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो याद रखना बच्चा आपका, एन संजीव रेड्डी, समझ रहे बच्चा आपका, एन संजीव रेड्डी। और इनसे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखना, भारत के एकमात्र प्रधान राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि इनके अगेंस्ट में कोई भी नहीं था, ठीक है, तो भारत में एकमात्र आपके, तो याद रखना बच्चा कौन थे, एन संजीव रेड्डी, समझ रहे बच्चा आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया, राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट, तो इसे पूरे भारत में कब लागू किया गया, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना। तो शिक्षा का अधिकार कब बन गया था बच्चा आपका, तो 1 अप्रैल 2010 को, बी इसका राइट आंसर आएगा, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट बढ़ेंगे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, लोकपाल पर विचार करने के लिए, समझ लो बच्चा आपका, लोकपाल का विचार यानी कि भारत में लोकपाल जो लिया गया, एडॉप्ट किया गया व्यवस्था है, तो कहाँ से ली गई, तो यूरोपियन जो आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रियाँ हैं वहाँ से ये व्यवस्था ली गई है, समझ रहे हो। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका लोकपाल, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके किसी भी एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है, तो रट दीजिए बच्चा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका, एशियाई खेलों का आयोजन, ठीक है, जो एशियाड के नाम से भी जाना जाता है आपका, तो प्रत्येक 4 साल बाद होता है, ठीक है। यहां से मैंने आपको मॉर्निंग क्लास में बताया एशियन गेम, ठीक है, एशियन गेम की हम अगर बात करते हैं तो 1951 में इसकी शुरुआत होती है, सबसे पहले बच्चा आपका दिल्ली के अंदर हुआ था, ठीक है ना, और उसके बाद आपका रिसेंट में 2018 में हुआ, समझ रहे बच्चा, आपका एशियाई खेलों का आयोजन 2018 में हुआ, उसके बाद आपका 2022 में होगा, ठीक है। और 2018 में कहाँ हुआ था बच्चा आपका, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, जबकि 22 में चाइना इसे होस्ट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया, द डेफिशिएंसी ऑफ द विच न्यूट्रिशन कॉज बाय द नाइट ब्लाइंडनेस, किसकी वजह से बच्चे क्या होती है कमी से, रतौंधी नामक रोग होता है, किस विटामिन का कमी से, तो विटामिन ए की कमी से, समझो बच्चे आपका विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है। जो भी बच्चा यहाँ पे चैनल से नया जुड़ रहा है बच्चा, जो भी बच्चा, ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली आपके एग्जाम 2020 यानी कि रात 9 बजे क्लास चलती है, सभी लोग इसमें लाइव रहें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका, द अलमाटी डैम प्रोजेक्ट ऑन कृष्णा रिवर वॉज इन एंड द इशू बिटवीन विच स्टेट, कृष्णा नदी पर आपका अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच में एक क्या है विवाद है, दो राज्यों के बीच में क्या बच्चा इस पे विवाद है, तो कौन से वो दो राज्य आपके, कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक आंध्र प्रदेश या कर्नाटक गोवा, इनमें से कौन से दो राज्यों के बच्चे बीच इसमें विवाद है आपका, तो कर्नाटक और किसके बीच में बच्चा आपका, आंध्र प्रदेश के बीच में इस पर विवाद है, ठीक है, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना बच्चा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, हाँ विटामिन ए आपका रेटिनॉल हो गया, विटामिन बी आपका थाइमिन हो गया, ठीक है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड हो गया आपका, ठीक है, विटामिन डी आपका कैल्सिफोरल हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, हाँ कृष्णा बच्चा ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं हम लोग, ड्यूरिंग द हुज रीजिंग, ठीक है, रिजिम आपका बच्चा डिड द चाइनीज ट्रेवल, जो आपका बच्चा कौन आया था यहाँ पे, हैंग सॉन्ग की बात की गई, ठीक है ना, हैंग सॉन्ग बच्चा किसके शासन काल में भारत आया था, किसके दरबार में भारत आया था, और इसने क्या करा था बच्चा आपका, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर स्टडी, ठीक है ना, स्टडी और वहाँ पे क्या बच्चा उसकी संस्कृति को जानने के लिए, ठीक है, ये भारत आया था, ठीक, तो याद रखना बच्चा आपका बी यानी कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में, हैंग सॉन्ग बच्चा आपका किसके दरबार में आया था ऐसा पूछा जाता है, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन बच्चा आपका, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे ऊंची मीनार यानी कि कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पे रखा गया, समझ रहे बच्चा आपका, द कुतुब मीनार वॉज द नेम्ड आफ्टर द सूफी संत, तो किसके नाम पे रखा गया बच्चा आपका, ख्वाजा, समझो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया, ठीक है ना, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका बच्चा, बी इसका राइट आंसर आएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया, जो क्वेश्चन आपके सामने था, ठीक है बच्चों, बढ़ाते रहो बच्चे, यहाँ पे शेयर करते रहो अपने फ्रेंड सर्कल में, सभी लोग शेयर करते रहे, ठीक है, अपने एंड पे भी आप लोग शेयर करते रहे बच्चा, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग बच्चा आपका शेयर करते रहे, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में बच्चा आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, स्थानांतरित कृषि को आप लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो याद रखना बच्चा आपका, जैसे कि श्रीलंका के अंदर मैंने आपको बताया था चेन्ना भूमि के नाम से, ठीक है ना, आपका मेडागास्कर चर्चा में तो वहां पे क्या बोला जाता है आपका, तावी कहा जाता है, ठीक है, तापी करके आता है, वहां पे तापी कहा जाता है, तो उसी तरह से बच्चा आपका पूर्वोत्तर भारत में क्या कहा जाता है आपका, झूम खेती कहा जाता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, बी यानी कि झूमिंग, यानी वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम खेती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड किसका, विटामिन सी को कहा जाता है आपका, ठीक है, यानी कि आपका इसमें डी राइट आंसर आएगा, क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने है उस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर एंडेड इन द विच साइन, ठीक है, पहला जो आपका बच्चा एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था वो किस हस्ताक्षर के बाद समाप्त हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका, तो ये यांडबू की संधि के बाद, ट्रेटी ऑफ द यांडबू, ठीक है ना बच्चा,
फर्स्ट जो एंग्लो बर्मन युद्ध हुआ था, तो यानबू की संधि के बाद ये समाप्त हुआ था। जो भी यहाँ पे चैनल पे नया जुड़ रहा है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत के अंदर चर्चित बाघ गुफा जो पेंटिंग है, ये किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, तो इसका राइट आंसर आता है बच्चा आपका कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर स्थित है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका, और याद रखना बच्चा आपका, मध्य प्रदेश भारत में एकमात्र स्टेट है जिसका अकाउंटिंग जो आपका, ठीक है, जो आपका क्या होता है, एक आपका फाइनेंशियल ईयर की बात करें, एक वित्तीय वर्ष जो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है। जबकि आप लोगों को ध्यान होगा बाकी अन्य स्टेट जो है आपके, ठीक है, यहाँ पे कब होता है आपका? 1 अप्रैल से शुरू होता है और मार्च एंड में समाप्त हो जाता है, ठीक। और आरबीआई का कब होता है बच्चा आपका? तो आरबीआई का 1 जुलाई से शुरू होता है और जून लास्ट में समाप्त हो जाता है, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश एकमात्र स्टेट है जिसका 1 जनवरी से कब होता है बच्चा आपका? 31 दिसंबर को एक वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका? विच इज द फॉलोइंग मेटल मस्ट बी रिएक्टिंग मेटल, ठीक है, इनमें से कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील धातु होती है? तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है बच्चे? इसमें से डी आएगा आपका, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम इनमें से सबसे ज्यादा जो क्या होती है बच्चा, ठीक है, प्रतिक्रियाशील जो आपके, ठीक। तो यहाँ पे याद रखना बच्चा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो आपका मेटल होता है बच्चा, वो कौन सा होता है इनमें से? तो कैल्शियम। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। टीवी रिमोट कंट्रोल वर्क ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि किस पर काम करता है, ठीक है। टीवी रिमोट कंट्रोल बच्चा आपका, यानी यहाँ पे कौन सी वेव यूज की जाती है? तो इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग किया जाता है, समझ रहो। टीवी यानी घरेलू जो टीवी रिमोट होता है बच्चा, टीवी रिमोट कंट्रोल पे किसका बच्चा है आपका? इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द फाउंडर इज द स्टैटिक बच्चा, भारतीय सांख्यिकी संगठन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारतीय सांख्यिकी संगठन यानी कि इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ऑन 17 दिसंबर 1931, 1931 में इसकी स्थापना की जाती है। तो इस समय पर किसके द्वारा की गई थी बच्चा? तो ये की गई थी पीसी महान लोबिस, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बच्चा? पीसी महान लोबिस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा, और साथ ही साथ याद रखना प्रत्येक वर्ष 29 जून को आप लोग किस रूप में मनाते हो? नेशनल स्टैटिक डे के रूप में मनाते हो, समझ रहे हो। प्रत्येक वर्ष 29 जून को नेशनल स्टैटिक डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हो। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चा आपके स्क्रीन के सामने है। मार्च 2019 में भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे चुना गया? तो क्वेश्चन आ गया इंडियन हिस्ट्री में पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, अभी बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को चुना गया, ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चा ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, अभी बात कर रहे थे हम लोग इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर द सिटीजन? तो ये बच्चा कहाँ पे दिया गया? आर्टिकल 39A। इससे पहले थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट थी, वहां पे आपको क्या पूछा गया था, कौन से आपका भाग के अंदर रखा गया या किस में रखा गया? तो वहां पे राज्य के नीति निषेध तत्व की बात आई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बच्चा, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? उत्तराखंड के देहरादून इसमें राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयरलैंड के खिलाफ, यानी कि वर्तमान समय पर विश्व क्रिकेट में T20 में आपका बच्चा सबसे बड़ा स्कोर कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में देंगे, ठीक है। सभी बच्चे जो स्ट्रीमिंग समाप्त होने के बाद इन सब इसका आंसर कमेंट्स में देंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका? सबसे बड़ा जो स्कोर बनाया है बच्चा, वो किसने बनाया है? तो अफगानिस्तान ने, ठीक। यानी कि इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? सी। वर्तमान समय पर T20 अंतर्राष्ट्रीय जो आपके मैच होते हैं बच्चा, उसमें सबसे बड़ा जो स्कोर देहरादून के अंदर राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बनाया गया, किसने बनाया? अफगानिस्तान में, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना बच्चा आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बच्चा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज द नोन एज गेटवे कनेक्टिंग द जम्मू एंड श्रीनगर? इसमें से किसे कहा जाता है, समझ लो, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला या प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो कौन सा है बच्चा आपका? बनिहाल दर्रा,
समझ लो, बनिहाल पास बच्चा, दो पहाड़ियों के बीच में जो मार्ग होता आपका, उसे क्या कहा जाता है आपका, दर्रा कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, साथ ही साथ याद रखना बच्चा, अभी रिसेंटली यूपी के अंदर एक एग्जाम होता है, सॉरी आपका एलएमआरसी का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें क्या पूछा गया था आपका, चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय बच्चा, समझ लो आपका कौन सा, इन दोनों के बीच में बच्चा आपका कौन सी नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे आपका 35, जिसे किस नाम से जानते हैं आप लोग, काराकोरम हाईवे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू प्राइड ओवर द कांग्रेस सेशन, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो जॉर्ज यूल बच्चा आपका, समझ लो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका, जॉर्ज यूल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, यहाँ पे ये रहा है अगला क्वेश्चन, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सक्सेसेस द मुगल थ्रोन इन द ईयर 1556, निम्नलिखित में से किसने बच्चे आपका 1556 ईस्वी में मुगल सिंहासन का सफल किया था, ठीक है। तो यानी याद रखना बच्चा आपका अकबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका, यानी कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था आपका द्वितीय युद्ध, किस वर्ष हुआ था, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बच्चा आपका, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, द हाइस्ट रेलवे स्टेशन इन द इंडिया लोकेटेड इन विच स्टेट, तो कौन से स्टेट में बच्चे आपका, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। तो सबसे ऊंचा कहाँ पे आपका, वर्तमान समय पर, ठीक है, जम्मू एंड, अब आपका स्टेट नहीं आएगा, यूटी आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, समझ लो बच्चा आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड पानी से बच्चा आपका संश्लेषित करते, ठीक है, तो क्या मिलता है फाइनली, जो प्रोडक्ट मिलता है बच्चा क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में जो आपका संश्लेषित होता है, ठीक है, ग्लूकोज टूटता है बच्चा आपका, और इस दौरान क्या होता है, जो रिएक्शन होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान, तो क्या मिलता है बच्चा आपका, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, याद रखना बच्चा आपका फाइनली क्या प्रभावित होता है, ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग, हिंद स्वराज 1919 में, समझ लो 1909 में महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई बुक थी, 1909 में महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई बुक थी, ठीक है। तो ये मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई, ये मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी आपकी, तो गुजराती भाषा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या बच्चे आपका, यूपी पीसीएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, बच्चा आपका ये एग्जाम 2020, ठीक है, आपके जो भी कमेंट्स होंगे एंड में बच्चा आपको 2 मिनट दिया जाएगा, एंड के 2 मिनट में आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के संसद के द्वारा, समझो बच्चा आपका, यूनाइटेड किंगडम के संसद के द्वारा बच्चा क्या होता है आपका, 1926 में भारतीय संविधान के गठन के लिए क्या किया जाता है आपका, एक आपका क्या बनाया जाता है, साइमन कमीशन का गठन किया जाता है, ठीक है, साइमन कमीशन का गठन किया जाता है, समझ रहे हो आपको, और ये साइमन कमीशन भारत कब आता है आपका, 1927 में भारत आता है, ठीक है। तो याद रखना बच्चा इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, सी इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि साइमन कमीशन, जो क्वेश्चन आपके सामने था उसका राइट आंसर आएगा आपका साइमन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा बच्चा आपका, तो वो है आपका माजुली नदी द्वीप, जो कि असम के अंदर है, ठीक है, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ, ठीक है। सभी बच्चे आंसर देते रहिए, बहुत बढ़िया बच्चा, सभी आंसर देते रहिए बच्चा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, आपके जो भी क्वेश्चन है बच्चा लास्ट में उनके आंसर देता रहूंगा, ठीक है ना, जो भी आपके सवाल है चैनल से जुड़े हुए या आपका कहां से शुरू करना है, यहाँ पे नए बच्चे ने पूछे, तो इन सबके सवाल में आपको सवालों के जवाब अंतिम में दूंगा, ठीक है। आनंद मठ की बात करेंगे तो किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था बच्चा बंकिम चंद चटर्जी के द्वारा, और वेस्ट बंगाल के अंदर यानी कि बंगाल के अंदर जो सन्यासी विद्रोह था बच्चा, उसके बारे में इसमें बताया गया, ठीक है, तो ये भी याद रखना आपका। अगला क्वेश्चन बच्चा आपका, खुजराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया, कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है, खुजराहो टेम्पल जो कि मध्य प्रदेश के अंदर चंदेल वंश के शासक बनाया गया, ठीक है।
नेक्स्ट आपका एक धर्म और एक जाति, मानव जाति के लिए एक ईश्वर का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन एप्पल, यानी कि सेब में कौन सी एसिड पाई जाती है, ठीक है। सेब में बच्चा कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, तो याद रखना बच्चा कौन सी होती है, यानी कि ए इसका राइट आंसर आएगा आपका कौन सा, मैलिक एसिड प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। कौन सी होती है बच्चा आपका, तो मैलिक एसिड उसमें प्रेजेंट होती है। हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की अयोग्यता संबंधित मुद्दे का निर्णय कौन लेता है? यहाँ पे दल बदल की बात करेंगे हम लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी टोटल 12 शेड्यूल है, तो 10वीं जो शेड्यूल है बच्चा आपका उसमें क्या दिया गया, दल बदल के बारे में बताया गया, ठीक है। तो याद रखना बच्चा यहाँ पे इस संबंध में कौन अध्यक्ष, समझ लो स्पीकर, जो का लोकसभा और या राज्य के अंदर राज्य विधानसभा अध्यक्ष इसमें क्या लेता है, निर्णय लेता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बच्चा आपका। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। अगला क्वेश्चन बच्चा आपका, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा आपका, ठीक। तो हम लोग इन क्वेश्चनों के बारे में पहले भी कई बार पढ़ चुके, ठीक है ना, ठीक है बच्चे। तो ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे पढ़े, ठीक है। तो बच्चा आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चा हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। अब आपके जो क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे बच्चा मुझे कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे जो आपका एग्जाम 2020 अभी आपके लगभग लगभग समझ रहे हो बच्चा, 11 से 12 लेक्चर हो चुके हैं, 11 से लेकर 12 आपके लेक्चर हो चुके हैं। तो आप उन लेक्चरों को देखते रहिए, और ये बच्चा आप लोग ध्यान दें क्लासेस की टाइमिंग। जो भी यहाँ पे नया जुड़ रहा है, जो भी बच्चा चैनल से नया जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डेली मॉर्निंग में आपकी करंट अफेयर की क्लास कब चलती है, तो ये 6 AM पे चलती है, ठीक है। जस्ट उसके बाद बच्चा आपका जनरल स्टडी क्लास चलती है आपकी सामान्य अध्ययन, जो कि मॉर्निंग में 8 AM पे स्टार्ट होती है, और डेली आपकी रात को बच्चा कौन सी चलती है, एग्जाम 2020, यानी कि आपका 9 PM पे। साथ ही साथ बच्चा यहाँ पे हम लोगों ने उत्तराखंड के अभी एक एग्जाम आया, ठीक है, तो उत्तराखंड से जुड़े हुए सभी क्वेश्चनों को भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले, ठीक है। उत्तराखंड से जुड़े हुए हर एग्जाम को भी हम लोग कवर करेंगे। तो इसी संबंध में आपका 11 AM पे डेली आपका उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए बच्चा, उत्तराखंड वन दरोगा के लिए बच्चा यहाँ पे हमने क्लास स्टार्ट करी है, जहाँ पे क्विज सेशन चल रहा है आपका, ठीक है। तो उसके लिए बच्चा हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी नया चैनल है, बहुत सारे बच्चों को सर्च करके नहीं मिल पाती है चीज़ें। तो आपको मैंने बताया था कि जो भी बच्चा उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पे बच्चा आपको 8006211521 ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया बच्चा, ठीक है। तो इस पर आप मैसेज सेंड कर दीजिए, और उसके बाद एक ग्रुप बनाएंगे जिसपे हम लोग कोई भी अपडेटेड चीज़ हो या क्लास आपकी जैसे क्लास चलती है, तो वैसे ही बच्चा आप लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, यानी कि आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्लास का, ठीक है। अब आपका किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, अच्छा वन लाइनर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन भी कराएंगे बच्चा, आज थोड़ा कम कंटेंट रहेगा आपका, ठीक है। आगे से पूरे के पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपके, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे मैंने जो आपको बताया चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, ठीक है, तो ये भी ध्यान देना। ज्योग्राफी का टॉपिक, ठीक है, और कोई बच्चा, ठीक है। अब बच्चे आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए, जो भी बच्चा चैनल से नया जुड़ा है सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहे बच्चा, ठीक है ना। तो बच्चा आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास में, ठीक है। तो वन लाइनर भी दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, वन लाइनर भी बच्चा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज का लेक्चर बच्चा यही समाप्त करते हैं, आगे से आप लोगों को वन लाइनर भी कराया जाएगा, ठीक है। तो बच्चा नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, यानी कि मॉर्निंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।